अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। राजवीर जी, क्या कारण है कि देश का जो राष्ट्रपति है वो एक दलित हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री दलित नहीं होना चाहिए, इसके लिए पूरा शासन प्रशासन और नेता अभिनेता सब लगे हुए, क्या विशेष कारण है? देखिए, राष्ट्रपति जहाँ तक है वो आप उनको दलित राष्ट्रपति नहीं कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति दलित को नहीं बनाया, आप बात को समझिए, इन्होंने दलित को नहीं बनाया, इन्होंने दलित वोट बैंक में गलत मैसेज देने के लिए उनका, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्तेमाल करने के लिए उनको राष्ट्रपति इन्होंने बनाया, उनको राष्ट्रपति इन्होंने बनाया। अगर इनको दलित को राष्ट्रपति बनाना होता तो दलित के तरीके से बनाते कि हाँ जी ये दलित है, हम इनको राष्ट्रपति बनाने, उन्होंने दलित को राष्ट्रपति नहीं बनाया, उन्होंने राष्ट्रपति बनाया अपने वोटों को, अपनी वोट की राजनीति के लिए इन्होंने उसको राष्ट्रपति बनाया, इसलिए मैं मेरी भाषा में ये नहीं कह सकता कि वो दलित है इसलिए राष्ट्रपति। राजवीर जी, आप बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुजन समाज के कैंडिडेट हैं बसपा से, तो आप एक बात बताइए, अगर बैंक वाली मायावती की सरकार आती है तो देश के अंदर ऐसा कौन सा काम हो जाएगा जो अभी तक 70 साल में नहीं हुआ है? बैंक जी की सरकार आती है तो 70 साल में नहीं, आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ कि जो संविधान हमने बनाया, हमारे देश ने बनाया, सब लोगों की सोच उसमें शामिल थी, बाबा साहब ने उस संविधान को लिखा तो सब लोगों से मिलके बैठ के सलाह करके लिखा, उसमें अमेंडमेंट भी हुए होंगे, चीज़ें बदली भी होंगी, जो संविधान हमने बनाया वो संविधान आज तक इस देश में प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ, जो व्यवस्था संविधान में है उसकी 10% भी ये लोग लागू नहीं कर पाते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर गठबंधन की सरकार आती है, बैंक जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर से हमारे देश में संविधान से चलने वाली सरकार पहली बार बनेगी, ये सबसे नया काम होगा। दूसरा जो है कि शासन और प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चले, जिससे माताओं बहनों का, ठीक है, उनका सम्मान बढ़े, बच्चे स्कूल में जो आज़ादी से जा सके, माँ बाप अपने बच्चों को घर में छोड़ के और 2 घंटे बिना किसी डर के घूम सके, ऐसी सरकार बनेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।